मिलने को। आपको पता है इस पेज का क्या मतलब होता है? हर किसी के पास सेम टाइम होता है, है ना? हर बच्चे के पास सेम टाइम होता है, लेकिन उसी टाइम में कोई बच्चा बहुत काम कर लेता है, कोई बच्चा बहुत कम काम कर पाता है। तो ये जो पेज होता है ये हमारा 24 आवर्स होता है, ठीक है? कोई बच्चा इसमें बहुत सारी चीजें लिख लेता है, अभी किसी को हम देंगे तो वो चार लाइन ही लिख पाएगा। इसका डिफरेंस क्या आता है कि जो बच्चा बहुत सारी चीजें लिख पा रहा है वो अपने डे का फुल यूटिलाइजेशन कर रहा है, उसको पता है कि उसको पूरे दिन में क्या क्या चीजें करनी है, कैसे करना है। लेकिन जो ये कम कर रहा है उसको वो चीजें नहीं पता होती, वो उस चीजों को कम यूटिलाइज करेगा, ठीक है? गॉट द पॉइंट? मैम ने बोला कि अगर आपका माइंड यूटिलाइजेशन समझता है, अगर आपका माइंड ये समझता है कि आपने फुल डे को अपना इन्वॉल्व करना है, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना है, तो दैट मींस यू विल राइट मोर। और खाली छोड़ रहे हो दैट मींस योर माइंड इज नॉट ऑक्यूपाइड इन डूइंग थिंग्स, आप लोग टाइम को वेस्ट कर रहे हो। गॉट द पॉइंट? यस। हम जब भी लिखते हैं तो सपोज हमारी जो हम चीज याद करते हैं उसके बाद हम लिखते हैं पर हम वो भूल जाते हैं। सो सपोज जैसे मेरी एक फ्रेंड है वो बहुत तेज राइट करती है पर वो भूल जाती है क्या करना है, उसकी मेमोरी पावर नहीं अच्छी है, है ना? ये कहना चाहते हो ना? पर अगर हम बहुत तेज लिखेंगे उससे हमारी हैंडराइटिंग बिगड़ सकती है और हमारा काम खराब हो सकता है। बिल्कुल, बैड हैंडराइटिंग का भी इफेक्ट आते हैं आपकी पर्सनैलिटी पे। हाँ, तो हमें स्लो से स्लो मतलब नॉर्मल स्पीड में लिखो, उससे हमारी अच्छी हैंडराइटिंग मिलती है और हम ऐसे ऐसे हमारी ब्रेन में अच्छी चीजें आती है। और ब्रेन से कनेक्टिविटी क्यों होती है ये पता है आपको? हमारी जो फिंगर्स होती हैं, हमारे फिंगर्स ब्रेन से कनेक्टेड होती है। इट इज आवर माइंड दैट इट टेल्स एवरीथिंग टू आवर बॉडी पार्ट्स व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू। राइट, वेरी गुड। फिंगर्स भी कनेक्टेड होती है, तभी तो हमें पता है कि हमें कैसे लेटर्स फॉर्म करने हैं, क्योंकि हर का माइंडसेट अलग होता है तो हर के लेटर्स भी अलग बनते हैं इस वजह से, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मार्जिन। जब किसी पेज पे हम लिखते हैं तो साइड्स में ये रहता है, ठीक है? इसको कहते हैं मार्जिन। कोई कोई इसको स्पेस को बिल्कुल नहीं छोड़ता है और कोई बहुत वाइड करके, जैसे अगर कोई राइटिंग आप देखोगे वो यहाँ से शुरू कर रहा है अपनी राइटिंग, ठीक है? लेकिन किसी बच्चे को आप देखोगे वो अपनी राइटिंग यहाँ से शुरू कर रहा है बहुत पास से, तो जो इतना गैप करके लिखते हैं वो बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद अपनी चीजें करने पे बिलीव करते हैं, ठीक है? ऐसे ही जैसे ये लेफ्ट मार्जिन होती है ऐसे इधर राइट मार्जिन बनती है, है ना? तो इधर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी टेकिंग पावर होती है। जो जितना भी आप वर्ड में लूप बनाओगे उतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, इसलिए कोशिश करिए कोई भी ओवल वर्ड हो, जैसे ए आपका हो गया, ओ हो गया, ये सब आपको कंप्लीट गोल बनाना है, ठीक है? सेकंड, जैसे आप बी लिखते हो या डी लिखते हो, कोशिश ये करिए कि जो ये लोअर जोन का एरिया है ये कंप्लीट क्लोज हो। आपने देखा होगा कभी कभी बी आपका ऐसे बन जाता है, इधर से लूप खुला रहता है जिसकी वजह से आपके पास अगर कोई भी तरीके की मॉनिटरी पावर या कुछ भी आने होती है तो ड्रेनेज बहुत ज्यादा होता है इसकी वजह से। तो कोशिश ये करिए कि आप ये क्लोज करके बनाइए, ठीक है? अभी सर आप लोगों को एक शीट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका मैं एक्सप्लेनेशन अभी आपको दे दे रही हूँ, ठीक है? ये कुछ पैटर्न्स हैं जो बच्चों को लाइफ में हेल्प करते हैं। ये पैटर्न आपने देखा होगा जनरली एस बनाए कंटिन्यूएशन में। हाँ, एस बना हुआ है कंटिन्यूएशन में, ये स्ट्रेस रिलीज बस्टर होता है, इससे आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। कभी भी आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही हो एग्जाम के पहले तो आप ये पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो अपनी कॉपी में, ओके? ये सेकंड पैटर्न है कंटिन्यूएशन आई है, ये आपको ये मैंने 5 बार ड्रॉ किया है, पहले ये मैंने ये ड्रॉ किया है उसके बाद उसके ऊपर डॉट्स लगाए हैं, ठीक है? ये इसी फॉर्म में आपको करना होगा, ये नहीं कि आप कंप्लीट आई बनाओ फिर सेकंड आई बनाओ, पहले आप ये लाइन ड्रॉ करो फिर डॉट्स लगाओ, इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप होगा, ओके?
और किसी को भी अगर बहुत इम्यूनिटी वीक रहती है उसके लिए हम ये थर्ड पैटर्न देते हैं। इसमें हम नीचे से ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं, 3 लाइंस ऐसे और 4 लाइंस ऐसे, ठीक है, 3 लाइंस नीचे से ऊपर और ये 4 लाइंस नीचे से ऊपर। ये इम्यूनिटी बस का पैटर्न होता है, जिसकी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती हो तो वो ये सब पैटर्न प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया? पहला वाला मैम ने जो लूप बनाया है, जो रेगुलर लूप है, इस लूप को अगर हम बनाते हैं तो हमारा स्ट्रेस बस्ट होता है, हमारे को बहुत ज़्यादा एकदम टेंशन हो जाती है ना, एग्जाम आया क्या करें कैसे करें। सो जस्ट ड्रॉ दिस काइंड ऑफ लूप्स। सेकंड पैटर्न इज आई का ड्रॉ करना है, राइट? आई को पहले आपने ड्रॉ करना है लूप्स को नीचे वाले, उसके बाद ऊपर से डॉट्स लगाने हैं 5, राइट, 5 टाइम्स। सो ऐसे करके आपको ड्रॉ करेंगे तो आपका क्या चीज मैम क्या बोला था आपने, कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज योर फिंगर मूवमेंट इज कनेक्टेड टू योर ब्रेन, सो दैट इज ए साइंटिफिक मेथड। ओके, थर्ड इज जो ये पैटर्न मैम ने बताया, स्ट्रेट लाइंस, जो वर्टिकल लाइंस हैं, 3 वर्टिकल लाइंस, फिर 4 हॉरिजेंटल लाइन, फिर 3 वर्टिकल लाइन। या नीचे से ऊपर ड्रॉ करना है आपको, आप ऊपर से नीचे नहीं करना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा ऊपर से नीचे नहीं ड्रॉ करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करना, तभी इम्यूनिटी बस्ट अप होएगी। सो इससे हमारे को जल्दी हम लोग बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाता है, ये भी हमारे को इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इट्स ए पैटर्न जो हम लोग अगर करेंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, राइट? ऊपर से नीचे करने तो नहीं, फिर बॉडी में कई तरीके से रिएक्शन हो सकते हैं ना, जैसे हम